मुरादाबाद के सदर ब्लॉक कार्यालय पर नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी में क्षेत्र पंचायत मुरादाबाद सदर की बोझ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद के सदर ब्लॉक क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि बोर्ड की आज पहली बैठक है। सभी सदस्य गण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्यों का एक एजेंडा तैयार करके उनको सौंप दे, ताकि जल्द से जल्द विकास कार्यों को कराया जा सके। कार्यक्रम में मौजूद रहे खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि सभी सदस्य ये जान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसलिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें। हैंडपंप की रिबोरिंग से लेकर सड़क निर्माण तक सभी प्रस्ताव कार्यालय को सौंप दें, ताकि उन कार्यों की कार्य योजना बनाकर विकास कार्यों को कराया जा सके। सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह द्वारा कहा गया कि आज बोर्ड की बैठक का पहला दिन है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का कार्य योजना में लिखवा दें, ताकि उस पर जल्द ही कार्य कराया जा सके। पंचायती राज, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय नगर विधायक जी, माननीय विधायक जी कांट, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मगर जरूरी है सरकारी कार्यक्रम में शपथ ले रही, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और आपसे एक ही निवेदन है कि अभी जो आपके सामने समस्याएं हैं, जो जरूरी लगता है आपको, वो प्रस्ताव आज दे दें आप लिख करके। कोई सड़क बननी है या कहीं कोई भी आपको ये लगता है कि काम हमारे क्षेत्र में जरूरी है, तो वो आज ही दे दें आप। और आज अगर जो नहीं दे सकते तो वो कल तक पहुँचा जरूर दें, मगर कल तक दे दें, जिससे आगे का काम जो पीछे से अधिक चल रहा है उसे आगे बढ़ाया जा सके। समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, अभी वीडियो साहब ने बताया, पानी की है, शेड की है, कहीं आपकी शेड है या जो भी चीज़ें हैं, सड़क है, नाली है, जिस तरह का भी आपको जरूरत लगती है वो दे दें। धन्यवाद।